वो बोतल जो पड़ी हुई है ना, ये मुझे पता बड़ी अच्छी तरह। ये देखें, ये बोतल इन्होंने रखी होती है फ्रीजर में, और इतनी ये ठंडी करके बिल्कुल बर्फ। इसका तो रंग भी अब मिट गया, देखें इसके, आपने छोड़ा क्या इसके, गर्मी कितनी ज्यादा। उठ जाए जी, उठ जाए ना, क्या है, नाश्ता बना दें, भूख बड़ी ज्यादा लगी हुई है। नहीं, क्या हुआ, व्लॉग लेके आ गए आप, हालत देखिए मेरी, आज तबीयत बहुत खराब है, बुखार हो रहा है सख्त। क्या हो गया आपको, पता नहीं क्या हो गया, बुखार क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। गलत काम किया होगा आपने, जिस्म भी गर्म हो रहा है आपका, माथा भी इतना काफी गर्म हो रही हुआ है, पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रही है मुझे। तो अभी तो नाश्ता बनाने का टाइम है, फिर आज क्या करना है फिर, और क्यों बुखार हो गया आपको, आपने कोई मेडिसिन वगैरह ली है? नहीं, मेडिसिन नहीं ली मैंने, दिल ही नहीं कर रहा किसी चीज पे, सब बहुत बुरा लग रहा, अच्छा तो कुछ आप अच्छा फिर, नहीं लग रहा। तो आप फिर क्या करें, आपने तो बिल्कुल ही इलाज जो है वो खराब कर लिए अपने। आप भी व्लॉग लेके आ गए, मेरी हालत देख के मैंने कंघी भी नहीं की हुई। छोड़ें व्लॉग को, आपको मैं देख रहा हूँ आपकी तो कंडीशन ही बड़ी खराब हुई पड़ी है। चलें फिर डॉक्टर के पास हैं, नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, चलते हैं ना, बुखार में क्या आपने, मतलब आप घर बैठ के क्या करना है इस तरह। नहीं चलती हैं, पैराडॉल बिगड़ती एक हैं ले लेना, डॉक्टर, मैं नाश्ता बनाएंगी अब आप, बन जाएगा, मुझसे नहीं बनेगा नाश्ता, मेरे सिल नहीं नहीं हो रहा, आप नाश्ते की बात कर रहे हैं, बाहर से फिर कुछ चीज ले आऊं कुछ मंगा लें, आज कर लें कुछ आप खुद, मैं फिर, या तो मैं जाता हूँ चाय बना के ले आता हूँ, चलें देख लेना जैसे आपको ठीक लगता मैं है। चाय बनाऊं फिर अब। अच्छा तो नहीं लग रहा, मेरी भी कंडीशन नहीं है, चलें आप बना लें, चले मैं फिर देखता हूँ चाय बना के, मैं आपके लिए ले आता हूँ, मेडिसिन दे दें साथ कोई मुझे, बिस्किट आप वगैरह देख डॉक्टर वाली लूंगा। बात ना करना, मुझे बहुत डर लगता है। चले फिर एक पैनाडॉल की गोली ले अच्छा चलें लेना, ठीक ठीक है, है, मैं ले लेती हूँ दवाई। उठ जाएं, चाय आ गई है, उठें, ये ले चाय आ गई है। क्या मतलब, चाय आ गई है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, कोशिश करें ना उठने की। अच्छा। चाय तो पी लें, फिर मेडिसिन ले लें, फिर सो जाना। अच्छा उठती हूँ, कोशिश करें कुछ, लाइट ऑन करूं? जी करते हैं। क्या हो गया आपको, बुखार है बहुत सख्त, बोलने भी नहीं हो रहा, आप पास नहीं, आप शोर डाले ना, जो शोर डाल रही थी कल, ताकि आपके आपके फैंस बैठे हुए हैं, आपको देखे अपनी हालत ये। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या हो गया, बहुत तबीयत तो खराब सुबह है, मेडिसिन नहीं ली, ली है बट फर्क नहीं पड़ा उससे, अभी मैं आपको मेडिसिन दोबारा देता हूँ ना, नहीं मुझे थोड़ी सी ले लें बस, ये चाय आ गई है ना, थोड़ी सी चाय और ये बिस्किट है, मेरा किसी भी चीज़ पे नहीं, केक रस है ये खा लें, दिल नहीं है मेरा बिल्कुल भी, खा लेना थोड़ा सा, ये चाय तो पी लें थोड़ी अच्छा सी, चले मैं थोड़ी सी पी लेती थोड़ी हूँ सी चाय पी लेना, तो फिर मेडिसिन वगैरह देता हूँ जी,
लिया क्या बना हुआ है मेरा और आप शूटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हिम्मत हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बुखार में बस ऐसी हालत हो जाती है। तो ये बुखार क्या वजह थी, मतलब हुआ क्यों है, क्या इसके पीछे? ठंड लगी है थोड़ी। ठंड लगी है जी। ठंड कैसे लगी, अब तो गर्मी है, अब तो टाइम देखें, हम महीना देखें। पेन भी है थोड़ा। शुरू करें ना चाय साथ साथ। अच्छा, आपने को नहीं पीनी है, अब दो मिनट शुरू कर, प्रेशराइज ना करें मुझे प्लीज, मैं पी लेती हूँ चाय। नहीं तो आपको क्यों हुआ ये बुखार, क्यों है? गर्मी की वजह से तो एसी ऑन होता है, आपको पता है एसी से बुखार नहीं होता, एसी से ज्यादा जब लग जाए तो बस। नहीं, मुझे रात को भी बहुत ठंड लग रही थी। वो बोतल पड़ी हुई है, वो गंदी बोतल ठंडे पानी की, जो आप फ्रीजर में भर के रखती थी ना, और वो पीती थी। मेरा गुजारा उसकी वजह से आपको बुखार हुआ है। ठंडे पानी के बगैर गुजारा ही नहीं है मेरा, गर्म नहीं पानी पीने होता बिल्कुल। क्यों, मतलब ऐसे लगता है जैसे को मरीजों की तरह, बस आगे गर्म पानी जा रहा है, पता नहीं क्या ही पी रहे हैं आप। तो दिल करता है कि थोड़ा ठंडा पानी होना चाहिए, इतना ठंडा पानी कि वो तो मैं भी पीता रहा हूँ, कल मेरा भी गला बंद हो गया शाम को, इस तरह मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया था। अभी तो गर्मी नहीं आई तो मेरे पे इतना जल्दी असर हो गया, अभी जब ज्यादा हो जाएगी फिर क्या बनने का। तो इतना ठंडा पानी तो नहीं ना पीते, थोड़ा सा नॉर्मल वाला मिक्स कर लेते हैं। अब वो मेडिसिन किधर है, अभी पैनाडोल ले लेना। अच्छा, एक गोली अभी पैनाडोल की ले लें, शाम को अगर शाम तक नहीं ठीक होता तो डॉक्टर के पास चलेंगे, डॉक्टर आपको खुद भी टीका भी लगाएगा बाजू पे और आपको मेडिसिन भी देगा। ऐसे ना बोले, 7-8 गोलियां जब वो देगा ना, वो फक्का भर के, तो वो आराम से नहीं लेनी होती इतनी ज्यादा। आपका कोरोना टेस्ट ना करा लें एक दफा अगर कहती हैं तो। नहीं आप मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, ऐसे ना बोले प्लीज। जितनी वैसे बेग में शोर करती हैं ना, इनका कोरोना भी होता नहीं है। वैसे मैंने नहीं सुना किसी औरत को कोरोना हो, क्योंकि जितना ये रोला डालती है और कुछ छोड़ दें बस आप, मैं क्या बोलूं। आज खुश हो ले आप, आज मुझसे बोलने बिल्कुल नहीं हो रहा, हिम्मत ही नहीं है, जवाब ही बिल्कुल टोटली, मैं जो है फेड अप हो चुकी हूं हर चीज से। ओहो, अब फिर इसका भी नहीं किया। चलें चाय शुरू करें ना, अब इस तरह टाइम ना जाया करें, आप चाय शुरू करें, मेडिसिन ले, आप बैठा जा को नहीं रहा तो आप चाय शुरू करें। मैंने टेक लगाई हुई है, आगे भी मेडिसिन ली। अब ठंडा पानी पिएंगी आप? मेरी तो मैं नहीं पीती, अब नहीं। चलें चाय शुरू करें, चाय आ गई है, फिर मेडिसिन लेते हैं। बीमार बंदे की क्या जिंदगी है, वो भी बेचारा बस अपने दिन ही गिन रहा होता है। क्या मतलब, आप तो मुझे आगे पहुंचा के दम लेंगे, सिर्फ बुखार हुआ है मुझे, आपने तो मुझे ऊपर पहुंचा दिया। तो इंसान अपना आने वाले वक्त की तैयारी तो करनी चाहिए ना। देखें इनके काम, आज तो बख्शते, मेरी तबीयत नहीं ठीक बिल्कुल। आज देखें, मैं तो आपका ये रूप ही पहली दफ़ा देख रहा हूँ जब से शादी हुई है, इतनी बिल्कुल बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा। नहीं तो आप इतनी मतलब शोर करती हैं यूट्यूब पे, मतलब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये इतना शोर करती है, ये आहिस्ता नहीं बोलती, आहिस्ता बोले आहिस्ता बोले। आज सही आपका इलाज हुआ, लगता है किसी फैन की जो है ना, वो सही जो बुरे कमेंट्स करते हैं ना उनकी जो है ना, कि बहुत ऊँचा बोलती हैं बहुत ऊँचा बोलती हैं, उसकी लगता है कोई दुआ लगी है जो आप बीमार हो गई हैं। सच्ची में बोला ही नहीं जा रहा बिल्कुल, हिम्मत ही नहीं हो रही, चाय भी नहीं पीनी हो रही, बस दो सिप ली है मैं तो बस। चलें पी लेना थोड़ी सी पी। अच्छा, थोड़ी देर बाद पी लूंगी, अभी नहीं। चलें देखते हैं क्या। अच्छा अम्मी जी, चलें ठीक है, मैं अब ना आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? परेशान नहीं होना अब आपने बिल्कुल भी, सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी, मैं तो नीचे पानी लेने गया हुआ था आपके लिए। अम्मी की कॉल थी। अच्छा, क्या कह रही थी? बताया उनको बुखार का नहीं बताना था, वो उधर परेशान हो जाएंगी, वैसे ही आप उनको जो बताती। मैंने सिर्फ भाई को बताया कि मुझे बुखार है, नहीं बताना तो था वो। अब अम्मी के साथ पता नहीं जिक्र करती है, तो अम्मी बेचारी रो रो के इतना परेशान हो रही थी। नहीं बताना था आपने, छोड़ना था। उन्होंने मुझे भी सैड करती है, सच्ची में मैं बहुत परेशान हो रही हूँ उनकी वजह से, रो रो के बेचारी कहती है अपना ध्यान रखा करो। अच्छा, तो बिल्कुल तो सही कहती हैं ना। मैंने बोला कि अम्मी जी आप ठीक हो, मैं कोई नहीं, आप ना टेंशन नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, ये उठे मेडिसिन ले लें, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं लेती हूँ मेडिसिन, अभी उनसे बात की है तबीयत और खराब हो रही है मेरी। तो उठे ना, चले मेडिसिन ले लें, वो पानी में ले आए हूँ। नहीं तो उठे, बॉक के लेके आए हैं आप मेडिसिन? तो मेडिसिन तो लेके आनी है ना, मेडिसिन तो इधर ही पड़ी हुई थी। मेरा नहीं दिल बिल्कुल भी,
उठे ले लें। चलें उठे, ये पकड़े पानी पकड़े। मेरा जरा नहीं आती कुछ नहीं होता, चले पकड़े ना मोबाइल छोड़ने। बीमारी में भी औरतों को जो है ना इधर उधर की मोबाइल की ना चस्के नहीं खत्म होते भाई। क्या आज ये देखें कोक इधर पड़ी हुई है, ये छुपाई हुई है ना, ऐसी चीजें पिए तो फिर तबीयत खराब ही होती है। ये ले ले मेडिसन, मेरा भी देखें ठंडा पानी ला पिला के, मेरे भी नाक और गले से आवाजें आ रही हैं उल्टी सीधी। आप पर देखें, मैं ले लेती हूं मेडिसन। नहीं आप ले, मैं देख रहा हूं बहुत कड़वी है ये। बहुत ही अजीब सा है इसका। कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत कैसा लग रहा है मेडिसिन लेके? आगे बहुत जायका खराब था मुंह का, अब मुजीद हो गया। अच्छा ये गिलास फिर मैं रख देता हूँ, अब पियेंगे ठंडा पानी हम हैं। नहीं पी लिए, पता था इतनी मेडिसिन कड़वी कड़वी लेनी पड़ेगी। अभी तो अगर थोड़ी देर तक नहीं ना ठीक होता तो फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पहले बात करते हैं, चुप कर जाए। मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास। देखे अम्मी, देखे अम्मी बड़ी परेशान हो जाना। अम्मी ने जब आपको इस... बहुत परेशान है अभी तो, अब्बू को नहीं पता चला, वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे लिए। वालदान नहीं अपनी औलाद की तकलीफ बिल्कुल भी देख सकते। अब मेरा ख्याल है जब से पैदा हुई है अपने माँ बाप को परेशान ही कर रही है, ऐसे ही ख्याल है। ये आपका ख्याल है, मेरे माँ बाप से मेरी कीमत पूछिए आप। बहुत प्यार है मेरे से। सही है, और मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार है उनसे। चले अल्लाह खैर करे। मैं लेटने लगी हूँ, मेरा अब माइंड ना करें प्लीज, तो थोड़ा सा सार तो दबा देना मेरा। दबा देता हूँ लेटने। सिर्फ सर में दर्द होती है या कभी कभी गले में भी दर्द होती है? गले में क्यों मतलब? तो गला भी दबा लें किसी तरह। क्या मतलब, मारना चाहते हैं मुझे आप? नहीं नहीं मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था फिर आपको, बताएं जरा। क्या मतलब था फिर आपको? मतलब यही था कि कोने दे जरा, मैं आपको ठीक करती हूँ। अभी तो चले, अभी तो मेरी हुकूमत है ना, फिर मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है चले, कोई नहीं। मैंने कुछ फर्क पड़ा मेडिसिन लेके चाय पी के? कुछ फर्क पड़ा आपको? थोड़ा बहुत ठीक ठीक हो रहा है। अच्छा तो मेडिसिन मैंने ले लिया है, अब इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, तो उसके बाद दोबारा मेरी हुकूमत हो जाएगी। चलने अल्लाह खैर करे। फिर ऐसे ही जो है ना शोर डालें अपना चैनल पे आके, लोगों को जो है ना बिल्कुल उनका कान फाड़ दें। बस क्रेजी शान, अब मुझे काफी फर्क पड़ा है, बस करें। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत जो है ना, मैं बुखार में ताप रही हूँ, तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। मेरे देखने वाले भी मेरे लिए लाजमी दुआ करें क्योंकि बुखार बहुत तेज़ है। मेडिसिन ली है, अल्लाह करे आराम आ जाए। तो आज यही रूटीन रही है बस, बुखार अचानक से हो गया बस, जो बहाना बनना हो, जो चीज़ आपके मुकद्दर नसीब में लिखी हुई हो। तो आपसे मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ लाजमी कीजिएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।